हेलो एवरीवन, आज निफ्टी बैंक अपने मूविंग एवरेज से ऊपर दिख रहा है, तो हम ना ऊपर का ही पोजीशन लेंगे 37,200 के करीब। और ये अपना निफ्टी बैंक का चार्ट है, तो साफ साफ दिख रहा है कि ऊपर जा सकता है। अब देखते हैं, अपन लेंगे 37,200 का कॉल लेंगे एलआईएस ब्लू में, है ना। अभी इसका प्राइस 30 रुपये 20 पैसे में एग्जीक्यूट हो गया है, जिसे हम लगा के रखे थे। और देखो ये 33 रुपया आ चुका है, जो 70 रख के आसपास प्रॉफिट भी दे रहा है, 70-75 के आसपास। और ये देखो सर जी, आज हमारा तो गुड लक ही ख़राब है, मार्केट नीचे आ गया है निफ्टी बैंक, और निफ्टी तो हाई पे हाई बना रहा है। उसका चार्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन क्या है, जो अपना लॉस है अपने अंदर ही बुक करना है। 290 रुपये का लॉस दिख रहा है, अब हमें निकलना होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा लॉस नहीं ले पाएंगे। तो अपन एग्जिट करते हैं 1895, एक बार चेक कर लेते हैं। शायद मैंने लिमिट में पेंडिंग में लगा दिया था, उसमें जाके मॉडिफाई करके लिमिट में करके इसे 18 रुपये कर देते हैं। और ये मॉडिफाई 18 रुपये में ओपन, और ये एग्ज़िट। अपना आज का ओवरऑल लॉस 305 रुपये, इसमें 50 रुपये और जोड़ देंगे, क्योंकि ब्रोकरेज का भी लगेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने बजट में है लॉस। लेकिन आज निफ्टी अच्छा चल रहा है, अब बैंक निफ्टी साइडवेज हो गया है, इसी नाम से लॉस। तो फ्रेंड ये देखते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। इसका जो चार्ट है ये, सॉरी 4 घंटे का हो गया था, ये देखते हैं लगातार घंटे, 1 घंटे का कैंडल है, लगातार ग्रीन कैंडल बना हुआ है। अगर इसमें लिए होते ना, तो आज तो 1000 तक का प्रॉफिट डन था। ये जो दिख रहा है ना तीसरे नंबर पे, निफ्टी 18 अगस्त 16,600 का CE, इसे मैं 12-13 रुपये में देख रहा था, जो 42 में खड़ा है। और उससे नीचे वाला 16,650 जो 26 में खड़ा है, इसे मैं लगभग 9 रुपये से देख रहा था मैं। और देखो इसका चार्ट, 30 तक हाई गया है ये, है ना। क्या करें, दिमाग निफ्टी बैंक में चला गया था, जो साइड हो गया, साइडवेज हो गया, और जो मार्केट चला उसमें हम लोग एंट्री नहीं कर पाए। क्या करें, होता है। ओके थैंक्स, थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए।